वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिका सारडा। झारखंड में 5 साल बाद सोरेन परिवार के सरताज हेमंत सोरेन सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले हैं। इमरजेंसी ईयर यानी कि आपातकाल लगने वाले साल 1975 में जन्मे हेमंत सोरेन शिब्बू सोरेन के मंझले बेटे हैं। अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मौत के बाद हेमंत का राजनीति में प्रवेश हुआ। पिता शिब्बू सोरेन के गुरुजी बनने की कहानी हो या फिर भाई की संदेहास्पद मौत की कहानी, हेमंत सोरेन के परिवार से जुड़े किस्से अनेक हैं। सोरेन परिवार से जुड़े सैकड़ों किस्सों में से कुछ चुनिंदा किस्सों के बारे में हम आपको बताएंगे इस सियासी किस्से में। शोभरन मांझी हेमंत सोरेन के दादा थे और उन्होंने ही राज्य में संथाल आदिवासियों को महाजनों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया था। वे पेशे से एक शिक्षक थे लेकिन उनका राजनीति में भी दखल था, लेकिन महाजनों और सूदखोरों से उनकी नहीं पटती थी। उस दौर में शोषण करने का एक आम तरीका ये था कि महाजन जरूरत पड़ने पर सूद पर धान देते थे और फसल काटने पर 1.5 गुना वसूल लेते थे। इस बात को लेकर शोभरन काफी खफा रहते थे। एक बार उन्होंने एक महाजन को सरेआम पीटा भी था, इसलिए वे अब महाजनों के आंख की किरकिरी बन गए थे। उन दिनों शिब्बू गोला के एक स्कूल में पढ़ते थे और वही हॉस्टल में अपने भाई राजा राम के साथ रहा करते थे। 27 नवंबर 1957 को शोभरन शिब्बू के लिए राशन पहुंचाने जा रहे थे, तभी घात लगाकर जंगल में उनकी हत्या कर दी गई। शोभरन की पत्नी और शिब्बू की मां सोनामणि बहुत दिनों तक अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रही और अपने बलबूते पर ही उन्होंने अपने बच्चों को पाला। शिब्बू ने अपने ही पिता के संघर्ष को आगे बढ़ाया। महाजन प्रथा के खिलाफ उन्होंने धनकटनी आंदोलन चलाया। संथालों ने उन्हें दिशोम गुरु यानी कि दसों दिशाओं का गुरु नाम दिया। तभी से शिब्बू सोरेन को शिब्बू गुरुजी के नाम से भी जाना जाने लगा। शिब्बू ने 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और अलग से राज्य के लिए संघर्ष किया। साल 1980 में जब पहली बार शिब्बू सांसद का चुनाव लड़े, तब वे और उनके समर्थक साइकिल पर झोले में लाल मिट्टी और नील रखकर गांव-गांव में प्रचार किया करते थे और दीवारों पर आदिवासी एकता और समर्थन के नारे लिखते थे। आखिरकार जब साल 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया तो शिब्बू का कद बढ़ गया। शिब्बू राज्य के पहले नेता हैं जो खुद 3 बार सीएम बने और अपने बेटे हेमंत को उन्होंने 2 बार इस पद तक पहुंचाया। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिर क्यों उन्हें राजनीति में आना पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। 21 मई 2009 को शिब्बू के बड़े बेटे और पार्टी के महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकारो सिटी में अपने निवास पर संदेहास्पद स्थितियों में मौत ने देश भर में सुर्खियां फैला दी थी। हालांकि डॉक्टरों ने 39 साल के दुर्गा की मृत्यु का कारण किडनी का फेल होना बताया, लेकिन उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठे। पर फिर भी परिवार का एक सदस्य तो हमेशा के लिए सो चुका था। दुर्गा के जाने के बाद हेमंत को राजनीति में आना पड़ा। हेमंत सोरेन को स्केचिंग बहुत पसंद थी, लेकिन शिब्बू उन्हें राजनीति में लाना चाहते थे। हेमंत ने साल 2003 में छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जबकि उनके बड़े भाई और विधायक दुर्गा अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2009 में दुर्गा के असामयिक निधन के बाद पार्टी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी हेमंत पर आ गई। पिता शिब्बू बीमार रहने लगे और बढ़ती उम्र और कोर्ट की तारीखों ने उन्हें राजनीति से किनारा करने पर मजबूर कर दिया। हेमंत सोरेन जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इसके बाद साल 2013 में वो 15 जुलाई को कांग्रेस और आरजेडी की मदद से राज्य के 5वें सीएम बने थे। लेकिन अब एक बार फिर से हेमंत ने सत्ता में वापसी की है। हेमंत के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन स्कूल चलाती है। हेमंत के बारे में पूछे जाने पर वो इतना भर कहती है, वे धैर्य बहुत रखते हैं, जल्दी घबराते नहीं, हमेशा कहते हैं कि चुनौती का सामना करना ही असली जिंदगी है। इस कपल के 2 बेटे हैं, नितिन और विशु। अगले 5 साल फिर से अब सोरेन परिवार झारखंड की सत्ता में है। ऐसे में इस परिवार के ये किस्से आपको कैसे लगे हमें जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।